आपने कहा शासन आएंगे तो फिर शासन में बहन जी आएंगी तो एक अलग रुतबा आएगा बहुजन समाज का, लेकिन अगर बहन जी शासन में आती हैं तो क्या सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का ही उद्धार होगा या अदर जो सवर्ण समाज है उसका भी उद्धार होगा, उसके बारे में? देखिए, बहुजन समाज की पॉलिसी किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब ने खुद कहा कि ब्राह्मणवाद जो है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, हम जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं। जो व्यक्ति गैर बराबरी की विचारधारा का समर्थन करता है हम उसके खिलाफ हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई विद्वेष की बात नहीं की है। ये तो मनुवादी मीडिया का दुष्प्रचार है जो समय समय पर उनके साथ कुछ इधर उधर की बातें कह के उनको नुकसान पहुँचाने का प्रयास करती हैं। बीएसपी आप खासतौर पर पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम सब समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, एक समय हुआ करता था जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लंबे समय तक ब्राह्मण मुख्यमंत्री वहाँ पे रहे, लेकिन पिछले 25-30 साल के अंदर उनका काफ़ी वहाँ पे राजनीतिक रूप से काफ़ी मैं कहूँगा कि पतन हुआ है। उस परिस्थिति में बीएसपी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए थे या राजनीतिक रूप से जिनका पतन हो गया था उनको दोबारा से मुख्य धारा में लाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास किया है। तो बीएसपी के आने से किसी का नुकसान नहीं होगा, और जब देश के कमजोर व्यक्ति का फायदा होता है, जब सबसे पिछड़े व्यक्ति का फायदा होता है तो सबको फायदा होता है। आप देखिए कि अगर जाति व्यवस्था ये है कि भाई किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को अपनी पसंद का व्यवसाय करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शूद्र समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हीं को नुकसान हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को जो सपोज एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है और उसको आपने जाति व्यवस्था के आधार पर कह दिया कि आप सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, आप सिर्फ धर्म का काम करेंगे, वो हो सकता है कि एक बहुत अच्छा नाई का काम करना चाहता हो, उसके अंदर वो टैलेंट हो सकता है कि वो बहुत अच्छा रहे। आप बिंदेश्वरी पाठक आप जानते हैं, बिंदेश्वरी पाठक जो है पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? क्योंकि वो सफाई का बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, वो टॉयलेट साफ करने का जो काम है, जो सुलभ शौचालय है, उसको कितने बढ़िया तरीके से चलाया हुआ है। तो ये सिर्फ इधर ही नुकसान नहीं हो रहा कि आपको ये काम हम नहीं करने दे रहे हैं, बल्कि जिनको शिक्षा के लिए रोक दिया आपने, जिनको रक्षा के लिए रोक दिया, उनके भी गुणों को आपने क्रश कर दिया, उनकी भी जो अंदर के आप कह सकते हैं मैरिट है उसको समाप्त किया है। तो जाति व्यवस्था अगर समाप्त होती है तो उनको भी फायदा होगा, उनको भी निश्चित रूप से फायदा होने वाला। और जब खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये अब सबको साथ लेके चलती है, इसने अपने आप को एक आधुनिक भारत के निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जाति व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे, हर व्यक्ति जो मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ है उसको साथ लेंगे, हर व्यक्ति जो समतामूलक समाज की स्थापना करने में अपना योगदान देना चाहता है उसको हम साथ लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पे अब ये आरोप तो नहीं लगाया जा सकता कि भाई ये किसी व्यक्ति के या किसी जाति विशेष के।